जय माता दी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हमारा पेपर था ऑपरेटिंग सिस्टम का, या तो पेपर ने हमारी फाड़ दी या तो पेपर ने हमारी फाड़ दी। फाड़ी हमारी है। तो आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है, 3 नंबर वाला समझ गए। समझ के 5 नंबर छोड़ दिया, 5 नंबर का है। ऐसा ही कुछ माहौल है यहाँ। पक्के थे 60 किसके 60 मेरे, मतलब अभी वो 55 और अगर नहीं आए तो बस राम राम लाड रहे मेरे तो। असलम भी असलम तो जा देंगे। सुमन को क्या बोलते क्या देख? मैंने कुछ नहीं किया, माफ करें। ये सब भावनाओं में उत्सुक होकर मैंने कहा 2.5 साल का चुना लगने वाला है। क्यों 2.5 साल? ओए वो तेरा लगेगा, हमारा नहीं लगेगा। पागल मेरे की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मेरा तो कभी लगेगा। हमारा क्यों होगा, हम इतना नालायक थोड़ना है कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन को 5 नंबर का सवाल क्या कर दिया। अब झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, चोदी पेल रहा है हमारे सामने। तो गाइस जैसे कि हमारा पेपर गया था आज, इतना बढ़िया, बहुत इतना इनके, इनके चेहरे पे दिख रहा होगा, नूर दिख रहा है, कितना बढ़िया गया था। उनके चेहरे पे भी दिख रहा होगा आपको सब। तो आते साथ हम एकदम हुए भी, हम लोग फेल हुए। फेल नहीं हुए भाई, मतलब पास हो गए, लिटिल लिटिल पॉइंट ऑफ पास शायद हो सकते हैं। कोई बात, इनके इनके चेहरे पे देख रहे हो कितनी खुशी है। ये सब खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू पोंछ रहे हैं। तो चल ना, खाना तो वैसे भी नहीं है। सो दोस्तों, सो गए थे हम आगे और अभी उठे हैं, टाइम हो रहा है 7:30। तो अभी चल रहे हैं नीचे खाना खाने के लिए। और अब हेलो, अब कौन सा पेपर है? डाटा बेस बोले, डाटा स्ट्रक्चर। अरे आई पिछले सब्जेक्ट का पेपर दे रहा है। अच्छा तेरे उसमें तो सप्ली थी ना, वो देख बिस्किट है, इसलिए याद आ रहा है भाई। बिस्किट कहाँ है? बिस्किट बस, ये बिस्किट हो गया हमारा। चलो फटाफट, चलो चलो। अरे बंद तो कर देता उसका, अरे पहले दिख जाएगा कि खत्म है। बंद करो फटाफट, निकलो यहाँ से, निकलो, गोली हो गोली। तो दोस्तों वीडियो तो डिलीट नहीं हो पाई, पर राजा बाबू डिलीट जरूर हो गए। पता नहीं भाई क्यों मैं डिलीट कर दिया, क्या भाई ये देखो भाई सारे बैठे पेपर देने के बाद। और ग्रुप डिस्कशन कैसी है वो? तो हमारे आदरणीय विशाल जी, विशाल जी बताएंगे बीसीए को कैसे। बीसी अगर आपने ले लिया, बहुत बड़ी गलती तो कर दी आपने, ले गए बीसी का फुल फॉर्म भी बता सकते हैं। नहीं नहीं सुन, अरे मूड लिटिल लिटिल एक्सप्लेन बिकॉज अच्छे से। अरे गलती हो गई है भाई बीसी लेके, तो आप बच्चों को बता दीजिए ना क्या होगा। देखिए परसों एग्जाम में बैठ के ये देख रहा हूँ मैं। या दिस टॉपिक इज नाइस, बट बीसीए का सिलेबस उतना होता नहीं है, ठीक है? अच्छा होता भी तो एक दिन में कवर हो जाता है पूरे 6 महीने का सिलेबस। अच्छा हाँ, तो इसलिए आज मूवी देख रहा हूँ, कल सारा दिन पढ़ के मतलब कि क्या बोलते हैं उसे 9 CGPA पे ले आऊंगा। अच्छा 9 CGPA से चल रहा है मेरा। दिस सिलेबस इज इनफ फॉर एनीथिंग एनीवेयर एनी हाउ। नाइस इंग्लिश, बट आई हैव इंग्लिश स्कोर वेल, इंग्लिश इन माई पॉकेट भाई साहब। तो गाइस ये हमारा ओएस का पेपर है, आज पेपर हुआ था और इसमें टोटल 20 MCQ क्वेश्चन थे और सारे सब्जेक्ट में थे। तो मेरे तो वैसे इसमें से 13 सही हुए हैं, बट एक बच्चे थे उनके मात्र 4 MCQ सही हुए हैं। अरे थोड़ा तेज बोल, गाड़ी निकल जाएगी यहाँ पर। तो वो बच्चे डर रहे थे कहीं उसका सप्ली ना आ जाए, तो उसको हम लोग आश्वासन दिए कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोटी डिप्रेशन से बाहर निकाला हमने बच्चे को, इतनी बड़ी बात कर दी, अवार्ड तो मिलना चाहिए। लेकिन आज का पेपर बहुत टफ था भाई, बहुत टफ था यार, कोई देख रहा है तो पास कर।
देख नाम नहीं, नाम नहीं लेते नाम, अरे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे नाम ले सकते हो भाई। मैम ऐसे मैम अच्छी है यार हटा दिया ये कुछ और ना मतलब अरे नहीं कुछ नहीं होगा मैं तेरे साथ हूं। शंकर सर ऐसे देखते हैं अरे आज ही सारी पोल पट्टी खोल देगा सर, आप पहुंचा दीजिएगा वीडियो मैम के पास। सर नंबर तो मैं ले आऊंगा, उस प्लेसमेंट आप लगवा देना। प्लेसमेंट की तो दिक्कत ही नहीं है बेटे, आप चिटका रहे पड़ रहे, नहीं होगी आप। ओए एक नंबर, एक न्यूज पता है तुम्हारे, तुमको वो जो था ना आईपीएल, आईपीएल में चिटकाने का एड आ रहा था, मैं प्रूफ कर सकता हूँ, दिखाओ मेरे को, दो मिनट करते मैं लेके आता हूँ प्रूफ। वो आईपीएल में चिटकाना की प्रमोशन भाई, हमारे कॉलेज दिखा रहा भी दिखा दो दिखा ले गया आपके जब आपके इतना गिर गया भाई, हमारा कॉलेज गिर आ रहा है, गिर गया भाई तभी ऐड आ रहा है भाई। अरे ऐड एडवर्टाइजमेंट स्कीम होती है भाई हर कंपनी में, इसमें गिरना उठो गाइस। चितकारा की एड आ रही है जियो सिनेमा पे, अंबानी की कंपनी पे भाई, लाइव लाइव चितकारा, योर ड्रीम योर गोल यूनिवर्सिटी। बोल भी रहा था क्या कि मतलब चितकारा यूनिवर्सिटी बेस्ट है, मतलब ये सब। ओए ओए तो पवन जी आपका क्या कहना है इस पे, चितकारा यूनिवर्सिटी चल नहीं रही क्या, इनको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है अब, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे? यही कहना चाहते हैं कि चितकारा का पहले जैसा स्थिति नहीं रहा। ओए 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 इसी को पकड़ेगी सबसे पहले मैं डाल। अरे मजाक कर रहे हैं, पता है सबको, मजाक कर रहे हैं, हाँ मजाक कर रहे हैं। अभिषेक जी फिर तैयार हैं आप चलने के लिए? हाँ जी, सरप्राइज है ये सरप्राइज, कहाँ जाना है कब जाना है सबको बताएंगे हम छुट्टी के बाद, ठीक है? सरप्राइज तैयार हो रहा है गाइस, दोबारा प्लानिंग क्या हुआ हम दोनों का जाने के लिए, तो देखते हैं वो सफल हो पाएगा कि नहीं। देखो वैसे हम लोग को जाना तो था ही, ठीक है, लेकिन तुम गए हो तीन चार बार, तुमको पता है सारा चीज, वो यार तूने बता दिया यार, तुम्हारे साथ हम जाएंगे, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ हम जाएंगे, हमें भी नॉलेज होगा, हम भी किसी और को ले जाएंगे। या मार्केटिंग हो रही है भाई, मार्केटिंग नेटवर्किंग। तो अभी मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, तो देख सकते हैं आप जाए गाइस, मैगी बन रही है और हमारे शेफ विशाल जी आज कुक कर रहे हैं, कुक नहीं अपनी रेसिपी लाए हैं, सारे मसाले छोक देंगे आज, सारे नहीं छोकेंगे जितने निकाल, सब निकाल के ले आए जितने मसाले पड़े हुए थे। और अभिषेक जी आप इधर आइए, आपका प्यार कैसा है? एकदम मैगी की तरह है, दो मिनट में बन जाता है, चलता है दो चलते की बात नहीं है, बन जाता है दो मिनट में, दो मिनट में बन जाता है, क्यों अरे ये काटना पड़ेगा अब, कोई बात नहीं, ये देखिए गाइस एकदम तड़क तड़क, अरे गरम मसाला शाबाश बेटे शाबाश, ये मारते 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 ओए ओए पड़ गई रे सॉरी सॉरी कोई बात नहीं हो जाता है, मैगी पे ध्यान दो, मसाले डल चुके हैं बहुत तगड़े तगड़े, वो समीर आ गया भाई एकदम, प्याज का रंग ही बदल दिया है। तो गाइस आज का व्लॉग यही एंड होता है, आज कुछ ज़्यादा खास पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, अब हमारा है डीएसए का पेपर परसों नहीं अब कल ही हो गया, आज तो 12 बज गए, क्या टाइम रहा, डेढ़ बज रहा है गाइस, तो अब हम सोने के लिए जा रहे हैं और आज का व्लॉग यही एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मुझे इंस्टा फॉलो करना। बस गाइस अब आपसे कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।